सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया व सांसद श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराए जाने की मुहिम की सराहना करते हुए गरीबों के लिए भोजन पैक किया। श्री अनुराग ठाकुर के साथ आए इलाहाबाद बैंक जीएम श्री विकास कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को बैंक की ओर से सहयोग राशि प्रदान की। अनुराग ठाकुर ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया व सांसद श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराए जाने की मुहिम की सराहना करते हुए गरीबों के लिए भोजन पैक किया। श्री अनुराग ठाकुर के साथ आए इलाहाबाद बैंक जीएम श्री विकास कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को बैंक की ओर से सहयोग राशि प्रदान की। मैं आभारी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गरीब से गरीब व्यक्ति को खाना पहुंचाने का काम किया है। गर्म और ताज़ा खाना लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा पैकेट पिछले 20-25 दिनों में दिल्ली के अलग अलग कोनों में पहुँचाए गए। मैंने कुछ दिन पहले जब यहाँ पर आकर सेवा की और लोगों से सहयोग करने की बात कही तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इलाहाबाद बैंक के जीएम विकास जी और उनकी सारी टीम ने आगे बढ़कर मदद करने का आज प्रयास किया है। आज वो साथ में जुड़े हैं और इसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके, आज वो भी यहाँ पर आए, इनकी टीम भी यहाँ पर आई है, और ज़्यादा लोगों तक हम भोजन पहुंचा सकें, ज़्यादा दिनों तक दे सकें, इसके लिए भारी सहयोग भी किया है। मैं इनका आभारी भी हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ बैंक वाले भी कहेंगे कहीं पर कोई कमी है, किसी को खाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम खाना भी पहुँचाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे राजीव रूड़ी जी अपने व्यक्तिगत रूप से देखते हैं कि जहाँ जहाँ से भी मांग आती है वहाँ वहाँ पर पहुँचाया जाता है सामान। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं सांसदों की ये पहल अपने आप में अभूतपूर्व थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने किया है और आगे भी इसको जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना सहयोग करें, जुड़ें, ताकि देश में और विशेष तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए।